हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम फ्लेवर्स। आज हम बनाने वाले हैं कढ़ी, या फिर पकौड़े वाली कढ़ी भी आप कह सकते हैं। आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर सकते हैं। ये हमें पकौड़े बनाने के लिए लगेंगे, ये हमें बघारने के लिए लगेंगे, कढ़ी बघारने के लिए। कोतमीन बारीक कटा हुआ आप अपने अपने अनुसार ले सकते हैं। यह है दही, दही के अंदर थोड़ा पानी मिला के हमने रख लिया है। यह है पंचफोरन जो कि 1 चम्मच है। ये देखिए, दही के अंदर पानी मिला के हमने जो पहले ही रखा था उसके अंदर हमने 2 चम्मच बेसन मिलाया है, 1 चम्मच नमक मिला लिया है। अभी आधा चम्मच हमें लाल मिर्ची पाउडर डालना है और आधा चम्मच हल्दी मिलाना है। ये देखिए, अब हमें इसे मथनी से घोट लेना है, मिला लेना है अच्छे से ताकि दही का कोई भी गुलटी ना रहे। अभी आप इसको मिला करके साइड में रख सकते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से हम लोग को कर लेना है और इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेना है। इसके बाद हम पकौड़े बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। पकौड़े बनाने के लिए हमने जो बचा हुआ बेसन था 1.5 किलो में से, वही यूज़ करें। इसमें हमने कलौंजी, अजवाइन मिलाया है अभी तक। इसके बाद हम ये सोडा मिला रहे हैं। सोडा आप चुटकी भर लीजिए। अब इसके अंदर हम लाल मिर्ची पाउडर मिलाएंगे और हल्दी मिलाएंगे और उसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक और हरी मिर्ची डालेंगे पकौड़े बनाने के लिए। ये देखिए, यह बारीक कटा हुआ प्याज, यह है हरी मिर्ची, यह है बारीक कटा हुआ अदरक, यह है नमक 1 चम्मच या फिर आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अब आप इसे थोड़े से पानी के साथ मिला लीजिए, अच्छे से मिलना चाहिए और फिर हम इसका आगे चल के पकौड़े बनाएंगे। ऐसा मिलाने से इसके अंदर कोई भी बेसन का जो गुलटी रहता है वो नहीं रहेगा, वो सब ब्रेक होएगा, टूट जाएगा। इसके लिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं या फिर आप हाथ से भी कर सकते हैं। यह है बारीक कटा हुआ कोथमीन। कोथमीन टेस्ट बढ़ा देता है, इसके लिए हमने कोथमीन मिला है इसमें। अभी हमने एक कढ़ाई के अंदर तेल ले लिया है। तेल गरम होने के बाद इसके आप छोटे छोटे पकौड़े बनाइए इसी तरीके से, और आप इसे हल्का लाल होने तक इसे फ्राई कीजिए। ये देखिए, हमने तेल कम ही लिया है। देखिए, आपको इतना लाल करना है और होने के बाद आपको निकाल लेना है। हमारे पकौड़े बन चुके हैं। अब ये हम बघार के लिए कूट रहे हैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। ये हमारा कढ़ी के बघार में जाएगा। जो बचा हुआ तेल था जो पकौड़े बनाए थे हमने, उसी तेल के अंदर हम आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। हमने पंचफोरन डाला जो कि 1 चम्मच था। ये थोड़ा सा पटपट की आवाज़ आती है तो मतलब ये हो चुका है। अब आप इसके अंदर कड़ी पत्ता डालिए। कड़ी पत्ता डालने के बाद ये कूटा हुआ
आप मसाला डालिए जो अभी हमने कूटा था। ये देखिए अदरक हरी मिर्ची लहसुन कुटा हुआ है ये। अब आप इसे थोड़ा सा भून लीजिए। इसे हल्का सा लाल होना चाहिए, एकदम इसे फ्राई नहीं करना है, बस इसे सुनहरा करना है। सुनहरा कलर का दिखने लगे आपको मतलब ही हो चुका है। ये देखिए अभी सुनहरा हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और ये अभी हमने इसमें डालना है, ये जो घोल है दही का उसको हमें डालना है उसके अंदर। ये देखिए इसी तरह अभी इसका होने के बाद हमें एक उबाल तक इसे उबालना है, और उस उबाल के बाद आपको पकौड़े अपने इसमें डाल देने हैं। तो आप थोड़ा वेट करिए इसका एक उबाल आने के लिए। इसे आप चलाते रहिए ताकि नीचे ना चिपके ये कढ़ी, नहीं तो नीचे बैठ सकता है ये। और आपको इतना पानी रखना है कि पकौड़े डालने के बाद आपका कढ़ी रहे, नहीं तो पकौड़े जो है पानी सोख कर लेता है पानी, तो उसके अंदर जो कढ़ी का कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ा हो जाएगा एकदम। अगर खट्टा ना हुआ हो तो आप नींबू मिला लीजिए उसके अंदर, लेकिन बेस्ट यही रहता है कि दही से खट्टापन आना चाहिए, नींबू से नहीं। तो दही का जो खट्टापन रहता है वो उससे ज़्यादा मज़ा आता है। और ये हमने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कोथमीन डाला है। आपको ज़्यादा भी कोथमीन नहीं डालना, नहीं तो टेस्ट बिगड़ जाएगा। ये देखिए अभी हमारा कढ़ी का उबाल आने वाला है। ये देखिए आपको गाढ़ा होते हुए कढ़ी दिखता होगा अभी। ये अभी हम पकोड़े डालना स्टार्ट कर दिए। ये देखिए उबाल आ रहा है। अभी आपको थोड़ा सा कढ़ी वैसे ही रखना है, अभी हमारा कढ़ी तैयार है। उसके बाद थोड़ा सा और एक और उबाल आ जाए तो मतलब है हमारा कढ़ी बन चुका है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को कि कैसा बना है, क्या बना है। आप भी हमें शेयर कीजिए आपका बनाया हुआ, और अगर आपके पास कोई रेसिपी हो तो आप हमें भेजिए ताकि हम उसे दिखाएंगे हमारे चैनल पे। और कुछ रहेगा तो कमेंट करिए आप। ये देखिए फाइनली गार्निश कीजिए और एंजॉय कीजिए आप इसे चावल के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ। आपको जैसा मन चाहे आप एंजॉय कर सकते हैं। नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।